हाय गाइस होप यू ऑल आर डूइंग वेल मैं हूं आप लोगों का होस्ट इन दोस्त पुनीत और आज गाइस मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूं बिकॉज मैंने बहुत सारी एक्सेसरीज परचेज करी है ऑलमोस्ट सात से आठ एक्सेसरीज परचेज करी हैं मेरे कैमरास के लिए जिससे मैं मेरे कैमरा को रिगअप कर सकता हूं डिफरेंट डिफरेंट माउंट्स के ऊपर लाइक दिस अगर आप मेरा सिक्सटी देखें तो उसमें मैंने एक हैंडल अटैच किया है टू तो शूट इन वेरियस एंगल्स एंड वेरियस सिचुएशन और इसके साथ साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक शोल्डर रिग है जो कि मेरे एफेक्ट सिक्स के ऊपर माउंट हुई हुई है जिससे वीडियो के शूट के दौरान ये मुझे और ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी देती है तो मैंने काफ़ी इंटरेस्टिंग एक्सेसरीज़ परचेज करी हैं जिसके बारे में मैं बात करूँगा और अगर आप ये एक्सेसरीज़ अपने कॉन्टेंट क्रिएशन के लिए ले लेते तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूँगा कि आपकी जो लाइफ है ना वो कंटेंट क्रिएशन या वीडियोग्राफी के दौरान और ज्यादा आसान हो जाएंगी तो स्टार्ट करते हैं क्विकली गाइस गाइडोर वी स्टार्ट गाइस अगर आप भी एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो मैं एक पूरा का पूरा कोर्स गिव अवे कर रहा हूँ जो कि आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं जो कि है यूट्यूब प्रोडक्शन के ऊपर तो अगर आप स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच यूट्यूबर बनना चाहते हो तो वो कोर्स आपको फ्री में मिल रहा है केवल 200 यूजर्स ही जो है उस कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे तो जाकर के डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा लिंक मिल जाएगा और वहां पे आप जाकर मेरे कोर्सेज को विजिट कर सकते हैं एक्सेस कर सकते हैं सो so सबसे पहले तो मैं बात करना चाहूंगा इस शोल्डर रिक की बिकॉज इस शोल्डर रिक को ना मैं बहुत टाइम से प्लान uh, कर रहा था परचेज करने का अभी तो मैंने हाल फिलहाल इस पे एफ माउंट किया हुआ है सोनी का एफ एक्स सिक्स विच इज रियली ग्रेट कैमरा बट मैंने इसे uh, अपने एफ के साथ में भी यूज किया और साथ साथ में एल्फा सिक्स थाउजेंड और ए सेवन एम थ्री के साथ भी यूज़ किया तो ये ज़रूरी नहीं कि ये शोल्डर रिग आप बेसिकली स्ने कैमराज के लिए खरीदो इस शोल्डर रिग का एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आप गिम्बल्स यूज नहीं कर रहे हो तो गिम्बल नहीं यूज़ करते दौरान पे अगर आप अपने कैमरा को शोल्डर वेस्ट पे रख करके यूज़ करना चाहते हो तो ये जो रिग है वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है उसमें अब आप देख सकते हैं इसको मैं जैसे ही यहाँ पे शोल्डर पे रखूंगा तो ये आपको एक एक्स्ट्रा फ्लैक्सीबिलिटी देती है जब आप वीडियो शूट करते हैं और आपकी वीडियो को और ज़्यादा स्टेबल कर देती है जब आप यू नो आउटडोर सिचुएशन में कंटेंट शूट करते हैं इसके साथ साथ में आपको एक परफेक्ट ग्रिप भी देती है जब आप वीडियो शूट करेंगे आउटडोर सिचुएशन में दैट्स वाई गाइज ये जो शोल्डर रिग है मैंने ये परचेज़ करी ये शोल्डर रिग जो है वो स्मॉल रिग की है और ये शोल्डर रिग अराउंड मुझे हंड्रेड डॉलर की कॉस्ट करी है ठीक है जिसमें ये मैट बॉक्स अलग है मैट बॉक्स के बारे में मैं जस्ट अभी बात करूँगा बट जो केवल शोल्डर रिग है वो मुझे ऑलमोस्ट हंड्रेड डॉलर के बीच में कॉस्ट करिए विच इज़ वेरी चीप ये अभी तक की सबसे लेस एक्सपेंसिव शोल्डर एक जो है मैंने देखी है क्योंकि अगर आप किसी भी और ब्रांड की शोल्डर एक परचेज़ करने जाएंगे तो वो आपको पंद्रह से सोलह हज़ार में आसानी से कॉस्ट कर जाती है बट ये जो शोल्डर एक है वो बहुत ही सस्ती मुझे मिल गई दैट्स वाई इट इसके साथ साथ तो मैं आप आई ऑल्सो बॉट दिस मैट बॉक्स और मैट बॉक्स यूजअली जो है वो आपके कैमरा को थोड़ा सा एक ब्रॉड व्यू देने के लिए काम में भी आता है और इसके साथ साथ में अगर आपके पास में फिल्टर्स हैं तो फिल्टर्स भी यूज करने के लिए हम लोग मैट बॉक्स को यूज़ करते हैं अब ये जो मैट बॉक्स है इसमें आप ऑब्वियसली uh, uh, जो फिल्टर्स होते हैं जैसे मिस्ट uh, फिल्टर हो गया या और भी किसी टाइप के फिल्टर्स अगर आप यूज़ कर रहे हो तो उसका प्लेसमेंट दे करके और ऊपर से मैट बॉक्स पे स्क्रू दिए हुए हैं जिसपे आप उनको लॉक कर सकते हो तो दैट इज ऑल्सो ग्रेट मैट बॉक्स बेसिकली ये भी अराउंड मुझे नाइन्टी डॉलर का कॉस्ट किया मतलब अराउंड छह से पांच से छ हजार रूपए के बीच में और पांच से छ हजार के बीच में गाइस ये जो मैट बॉक्स है ना वो आपको आ, मार्केट में सबसे सस्ता मैट बॉक्स बन जाता है बिकॉज आई हैव सीन के इस टाइप के मैट बॉक्स जो है वो मार्केट में बहुत महंगे सेल होते हैं ठीक है अब आप देखेंगे यहाँ पे इसका बेस माउंट हुआ हुआ बिकॉज मैट बॉक्स के साथ में इसका जो बेस है वो आपके लेंस पे माउंट होता है और इस मैट बॉक्स में आपको चार अलग अलग लेंस के थ्रेड के बेस मिलते हैं तो मैंने अभी 67 सेवन mm एम का जो बेस है यहाँ पे माउंट किया हुआ है एंड देन मुझे सिंपली इसको इस तरीके से फिट करना है और इसको लॉक कर देना है इस तरीके से ये लॉक हो जाएगा यू कैन सी अब ये लॉक हो गया ठीक है तो ये आपके कैमरा को एक सिनेमा कैमरा वाला लुक भी देता है थोड़ा सा ब्रॉड लुक भी देता है जो हम लोग बोलते हैं एक सीने कैमरा वाला लुक भी देता है इसके साथ साथ में ये आपको फिल्टर्स भी अटैच करने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है तो दैट्स वाई अब दिस मैट बॉक्स विथ दिस शोल्डर एक स्पेसिफिकली आउटडोर सिचुएशन में शूट करने के लिए मेरी लाइफ को और ईजी कर देता है इसके साथ साथ में मेरे कैमरा को और ज़्यादा प्रोफेशनल लुक देता है ठीक है उसके बाद मैं बहुत टाइम से अल्फा सिक्स थाउजेंड सीरीज़ यूज़ कर रहा हूँ और मेरे फेवरेट कैमराज हैं अल्फ़ा सिक्स थाउजेंड सीरीज़ अभी यहाँ पर मेरे पास मैं अल्फ़ा सिक्सटी फाइव हंड्रेड है और मैंने स्पेशली एक केज परचेस किया है अल्फा सिक्सटी फाइव हंड्रेड के लिए और 6500 का बेनिफिट केज का ये अगर आप एक बार इस पर माउंट कर देते हैं केज का बेनिफिट ये होता है कि आपके कैमरा को बेसिकली सिक्योरिटी देता है बिकॉज ये एक पूरा मेटल का केज है जो कि आपके कैमरा को चारों तरफ से माउंट हो जाता है अगर बाई चांस कैमरा गिर भी जाता है जमीन पे तो वो ऑब्वियसली डैमेज होने से बच जाएगा दूसरा इसके ऊपर बहुत सारे क्वार्टर थ्रेड इंच माउंट होने की वजह से आप इस पर मल्टीपल एक्सेसरी माउंट कर सकते हो तो मैं सिक्स सीरीज पर जैसे मैं सिक्सटी यूज कर रहा हूं तो मैं एक्सटर्नल मोनिटर माउंट कर सकता हूं इस तरीके से साइड हैंडल माउंट कर सकता हूं बिकॉज 6000 सीरीज कैमरा है सोनी के वो काफी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है और उनकी ग्रिप ग्रिप जो है वो बहुत कम डीप है तो इस वजह से मैंने एक सेकेंडरी ग्रिप खरीदी है जो कि मेरे को और वीडियो शूट करने में और ज़्यादा सपोर्ट करती है हेल्प करती है ठीक है अब आप ऊपर देख रहे होंगे एक एक्सेसरी लगी हुई है जो कि बेसिकली हम लोग बोलते हैं उसे मैजिक काम और ये जो मैजिक काम है ये अराउंड मुझे सिक्सटी डॉलर का कॉस्ट किया और जो एक केज है वो भी मुझे अराउंड फिफ्टी डॉलर और ये जो हैंडल है ये भी अराउंड मुझे फोर्टी डॉलर का कॉस्ट किया ठीक है अब मैं एक्सेसरी की ऊपर वाली एक्सेसरी की बात करूं तो ये एक बेसिकली मैजिक काम है मैजिक काम एक सबसे अच्छी और यूजफुल एक्सेसरी है मुझे लगता है कि सबके पास ये एक्सेसरी आइडियली एक बैग में होनी चाहिए मैं क्यों बोल रहा हूँ ये, ये यूजफुल एक्सेसरी है बिकॉज ऑफ आप देखेंगे ये ऐसा एक आम है जिसके ऊपर आप अपनी एक्सेसरी कोई भी मॉनिटर अगर आपको माउंट करना हो लाइट माउंट करनी हो तो आप माउंट कर सकते हो और ये बहुत ड्यूरेबल साथ साथ में फ्लैक्सीबल होते हैं तो आपको किसी भी एंगल में मॉनिटर्स को मूव करना है वो इन एक्सेसरी के ऊपर अटैच करके माउंट कर सकते हो और इसके साथ साथ में मैंने मैजिक छोटे छो, जो मैजिक आम होते हैं कॉम्पैक्ट जो मैजिक आम होते हैं उनका सेट भी परचेज किया तो एक बड़ा मैजिक आम है ठीक है जो कि फुल साइज मैजिक आम है इसके साथ साथ में जो छोटे लाइट वेट आम्स होते हैं जिनके ऊपर आप बेसिक माइक्रोफोन अगर आपको माउंट करना है या आपको लाइट माउंट करनी है वो बेसिकली आप माउंट कर सकते हो इस वजह से मैंने ये चार का सेट का मैजिक आम का परचेज किया है साथ में ताकि मैं अदर एक्सेसरीज अगर मुझे माउंट करनी हो तो वो मैं माउंट कर सकूँ और एक सबसे इंटरेस्टिंग एक्सेसरी मैंने परचेस करी है जो कि आई गेस वो सब लोगों को एक ऐसी ऐसी एक्सेसरी है जो उनके अगर बैग में है तो उनके कैमरे की बैटरी लाइफ और साथ साथ में बैटरी का सर दर्द ओवरऑल खत्म कर देगी सो so ये बेसिकली डमी बैटरी है सोनी uh, की एफ जेड वाला इसका मैंने सप्लाई पोर्ट लिया है ठीक है तो मैं मैक्सिमम फुल फ्रेम आवर का होता है में। तो मैंने परचेज किया है एनपी अडेप्टर पावर सप्लाई वाला तो इसमें आप एनपी बैटरीज जो कि हम लोग लाइट्स में बैटरी यूज करते हैं सोनी की एनपी बैटरीज उनको कनेक्ट कर सकते हो लाइक like दिस अभी आप देखेंगे मैं इसको कनेक्ट करता हूँ लाइक दिस और इसकी पावर सप्लाई आप डीसी वाले आउटपुट में लेकर के और डायरेक्टली इस बैटरी को अपने कैमरा में यूज कर सकते हो डायरेक्टली आप इस बैटरी को अपने कैमरा में यूज करके अपने कैमरा को पावर अप कर सकते हो कंटिन्यूसली बिकॉज इन बैटरीज की जो बैकअप होता है ना वो काफी अच्छा होता है अराउंड दो दो ढाई ढाई घंटे ये बैटरी जो है वो पावर बैकअप दे जाती है तो अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हो इस केस में यार ये बैटरी जो है वो सोने पर सुहागा बन जाती है अदर देन दैट गाइज मैंने ऑल्सो एक हुड खरीदा है मेरे अल्फा सिक्स सीरीज के लिए तो अल्फा सिक्स का जो मेरे पास सिक्सटी फाइव इसके डिस्प्ले का रेजोलूशन जो है वो काफ़ी अच्छा है बट समटाइम क्या होता है बिकॉज ऑफ ग्लॉसी डिस्प्ले है तो ग्लेयर्स आने लगती है आउटडोर सिचुएशन में आप कई बार अपने विजुअल्स को मॉनिटर नहीं कर पा रहे हुड और ये आसानी से इस तरीके से वेलक्रो से स्टिक हो जाता है आपके कैमरा पे लाइक like दिस ठीक है और इस तरीके से आप बेसिकली अपने सूट को यूज़ कर सकते हो कंटेंट क्रिएशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप ही अपने एक्सेसरीज अगर आप अपने ये सारी जो एक्सेसरीज़ हैं टोटल जो इसका प्राइसिंग मेरे को बैठा था वो अराउंड बैठा था फोर हंड्रेड डॉलर मैंने फोर हंड्रेड डॉलर में ये सारी की सारी एक्सेसरीज परचेज कर ली और ये एक्सेसरी आपके कॉन्टेंट क्रिएशन में आपको बहुत सपोर्ट करेंगी अगर आप इन्हें यूज़ करेंगे आउटडोर और इनडोर सिचुएशन में और आपकी क्वालिटी ऑफ कॉन्टेंट को भी हेल्प करेंगे अच्छा करने में बिकॉज आप इन एक्सेसरीज को यूज़ करके अपनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हो वीडियो शूटिंग के दौरान और इसके साथ साथ में ये आपके कैमरा को और अच्छा ब्रॉड लुक देती हैं दैट्स वाई आई वॉट ऑल दिस एक्सेसरी फॉर माई कॉन्टेंट क्रिएशन पर्पजेस और ये स्मॉल रिक की है सारी की सारी बेसिकली तो आप आसानी से जाकर के इसे परचेज कर सकते हैं उनकी वेबसाइट से या फिर अमेजन से जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे तो आई होप गाइज आपको वीडियो पसंद आएगा पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कर लें फॉलो कर लें मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पे स्टेट यून गाइज एंड कीप शूटिंग